हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टाफिंग चैप्टर की केस स्टडीज कर रहे थे हम, आज फिनिश कर रहे हैं। कल से शेयर मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाबू 15 लेक्चर लगेंगे गिन के, और कोई छुट्टी नहीं हो सकती उसमें, ठीक है ना जी? बाबू कोई भी छुट्टी नहीं होगी। जहां छुट्टी हुई, मान लो अगर 2 लेक्चर के बाद छुट्टी हुई, तो 13 गए, 13 ऐसे जा रहे होंगे डमोलने में, और आप कर रहे होंगे बाय बाय ऐसे ही, ठीक है ना? तो छुट्टी नहीं हो सकती, छुट्टी बिल्कुल नहीं हो सकती। चलो जी, लो प्यारे बच्चों, बाबू बात करते हैं नेक्स्ट केस की। ये केस है बेटा ब्लू हेवन लिमिटेड। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 10 से 12 केस स्टडीज आज भी करनी है, फिर जाके चैप्टर खत्म मान लूंगा, ठीक है जी? बाबू पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले रिक्वायरमेंट से स्टार्ट करना, सेकंड पैराग्राफ पहले पढ़ो फिर फर्स्ट। पहला आप ही ट्राई कर रहे हो बाबू। मुझे तो रिक्वायरमेंट पढ़ते ही समझ में आ गया कि बात किसकी चल रही है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, और उसकी एडवांटेजेस पूछ रखी हैं टू द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज टू द एम्प्लॉइज। एक बार फिर भी मैं पढ़ देता हूं। कहता है ब्लू हेवन लिमिटेड परचेज द न्यू मशीनरी फ्रॉम जर्मनी फॉर मैन्युफैक्चरिंग सम ऑटो कंपोनेंट। इट वाज अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड अ क्वालिटी प्रोडक्शन मशीन, बट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस मैनेजर ऑब्जर्व दैट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन वाज नॉट एज पर द स्टैंडर्ड। ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट देयर वाज अ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ यूजिंग ऑफ हाईटेक मशीन्स, सो फ्रीक्वेंट विजिट बाय द इंजीनियर्स वर रिक्वायर्ड फ्रॉम जर्मनी, बट दिस रिजल्टेड इनटू हाई ओवरहेड चार्जेस। आपको कहता है बेटा क्या करा जाए एम्प्लॉय का स्किल और एबिलिटीज बढ़ाने के लिए, और ऑल्सो स्टेट हाउ द एम्प्लॉयज और द ऑर्गेनाइजेशन विल बी बेनिफिटेड बाई योर सजेशन, ठीक है ना जी? सर एक बात वैसे और बोल देता हूँ आपको, इस क्वेश्चन ने तो खैर क्या किया आपसे बात में, एडवांटेजेस पूछ ली टू द ऑर्गेनाइजेशन टू द एम्प्लॉयज, तो मैंने लिख दिया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगर बेटा मुझसे स्पेसिफिक ट्रेनिंग का नाम पूछता ना, तो मैं आंसर लिखता वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं बेटा? हाईटेक मशीन्स हैं, बहुत हाई टेक्नोलॉजी की मशीन है। ऐसा ना हो कोई गलत बटन आप प्रेस कर दो, हो गया मशीन ही लॉक हो गई, चलनी बंद हो गई, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। एक बात है बेटा, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई वर्ड होता है ना, वो होता है हाईटेक मशीन। तो उस वर्ड को हमेशा ध्यान रखने ना। ये तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि उसने मेरे से एडवांटेजेस पूछ ली, तो इसलिए मैंने आंसर ही लिख दिया सिंपल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ना। वो पूछता एडवांटेजेस, मुझसे स्पेसिफिक ट्रेनिंग पूछता 3 नंबर में, तो वेस्टिब्यूल ही लिखता, उसी को एक्सप्लेन करता, ठीक है ना? और ये बात प्रूव हो जाएगी, बिल्कुल इसकी जैसी केस है नेक्स्ट, बिल्कुल इसके जैसा ही केस है, ठीक है ना? ये पढ़कर बताओ। तो केस पढ़ा आपने, मैं पढ़ के बताता हूँ और आपको हिंट बताता हूँ क्या था वेस्टिब्यूल का। पहले रिक्वायरमेंट, ऑल्सो स्टेट एनी 3 बेनिफिट दैट द वर्कर विल डिराइव बाय द डिसीजन ऑफ द सुपरवाइजर, ठीक है जी? अभी देखता हूँ क्या किस बेनिफिट की बात चल रही है। कहता है द वर्कर्स ऑफ गार्गिया लिमिटेड आर अनेबल टू वर्क ऑन न्यू कंप्यूटराइज मशीन। आ गया एक और हिंट, हाईटेक मशीन, कंप्यूटराइज मशीन, वर्कर काम नहीं कर पा रहे। इंपोर्टेड बाय द कंपनी टू फुलफिल द इंक्रीज डिमांड। Therefore, the worker are seeking extra guidance from the supervisor, and the supervisor is overburdened with the frequent call of the worker. यही लाइन काम किया, यही से मैंने हिंट उठाया। बाबू कहते हैं वर्कर को बार बार गाइडेंस की जरूरत पड़ती है सुपरवाइजर से, और जब वो सुपरवाइजर को बार बार बुलाते हैं तो सुपरवाइजर फील ओवरबर्डन्ड बाय दिस फ्रीक्वेंट कॉल्स। सर अगर सुपरवाइजर को जॉब के टाइम में बताने में दिक्कत हो रही है, वो ओवर बर्डन फील कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि आपको किसी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड के लिए जाना चाहिए? यार ऑन द जॉब चल रही है और सुपरवाइजर ओवर बर्डन बार बार फील कर रहा है, इसका मतलब वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग सक्सेसफुल नहीं हो पा रही ना। आपको नहीं लगता बेटा फिर ऑफ द जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए आपको? सर यही हिंट है, और आपको बता देता हूं मैं तो पहले ही समझ गया था जैसे ही कंप्यूटराइज मशीनरी दिखा। हाईटेक मशीनरी, कंप्यूटराइज मशीनरी, ये सबसे बड़े हिंट होते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग के। इसके अलावा अगर कंफर्म कर दे कहीं और से तो वेल एंड गुड, और मेरे को इस क्वेश्चन ने कंफर्म कर दिया कि सुपरवाइजर ओवरबर्डन फील कर रहा है जैसे ही वर्कर बुलाते हैं, मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग चल नहीं पा रही। क्लियर है ना बेटा बात, समझ आई बात? चलो जी बाबू बात को बढ़ाते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट केस। चलो बढ़िया केस है, ठीक है ना? बताएगा एक बच्चा ही
ठीक है ना, कौन बताएगा? बंडी हर्ष, ठीक है हर्ष? हाँ क्या सर पकड़ ले, अभी माता ही पकड़ ले। हाँ एक केस पूछना लो तुमसे, पढ़ाते रहो चाहे सारा दिन। बाबू रिक्वायरमेंट, नेम द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज्ड बाय येलो सिक्योरिटी सर्विसेज लिमिटेड। बी पार्ट स्टेट एनी वन डिसएडवांटेज ऑफ रिक्रूटमेंट। भाई ये तो बात समझ में आई गई होगी, स्टेट एनी वन डिसएडवांटेज ऑफ दिस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ये जो मैंने उसकी डिसएडवांटेज। अगर कोई स्पेसिफिक डिसएडवांटेज ना मिले, कल बोल चुका हूं मैं, तो अगर इंटरनल का पार्ट हो तो इंटरनल की लिख देना, एक्सटर्नल का पार्ट हो तो एक्सटर्नल की लिख देना। सर सी पार्ट अभी आपसे होगा नहीं, डाइटिंग का क्वेश्चन है, मैस्लोनी हायरार्कियल थ्योरी अभी आप नहीं पढ़ी, तो ए और बी पार्ट ये अभी आपसे हो पाएंगे। ठीक है जी मैं पढ़ता हूँ, ठीक है भाई ढंग से पढ़ ले। पूछ लिया? अच्छा पूछना। इज वर्किंग विद येलो सिक्योरिटी प्राइवेट सर्विसेज लिमिटेड, इज ऑल्सो रिक्रूटिंग सिक्योरिटी गार्ड फॉर द कंपनी, प्रोवाइड सिक्योरिटी सर्विसेज इन दिल्ली एंड नोएडा एंड दस एट द शॉर्टर नोटिस ऑफ वेरियस कंपनी ऑन अ टेम्परेरी बेसिस। द गार्ड्स प्रोवाइडेड बाय दिस कंपनी आर नॉन फॉर देयर ऑनेस्टी एंड द पंक्चुअलिटी। मोहित गुप्ता वेल नोन इन हिज विलेज फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द अनस्किल्ड पीपल। सारे हिंट दे दिए, कोई दुनिया जान का कोई छोड़ सर, कौन सा है भाई? समझ तो आई क्या होगा सारी की सारी बात, ठीक है ना बाबू? क्या कर रहा है? शॉर्टर नोटिस सबसे बड़ा हिंट, टेम्परेरी बेसिस दूसरा सबसे बड़ा हिंट। बाबू मोहित गुप्ता खुद क्या करता है? अपने पूरे गांव में सबको क्या करता है? नौकरी दिलवाता है। सर याद होगा लेबर कॉन्ट्रैक्टर के टाइम पर मैंने भी सेम वर्ड बोले हुए हैं आपको, ठीक है ना जी? और लेबर कॉन्ट्रैक्टर की एक डिसएडवांटेज होती है, स्पेसिफिक इसी की है। एक बार वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर गया जॉब छोड़ के, तो वो उन सबको ले जाएगा जिसको वो लेकर आया था, ठीक है ना? जितने शॉर्टर नोटिस पे आते हैं उतने ही शॉर्टर नोटिस पे घर भी चले जाते हैं, ठीक है जी? चलो जी लो बेटा। अब एक भी केस अब इसके बाद मैंने नहीं बताना, पढ़ना आपने या बताना आपसे, अब बताएगा वो जिससे पूछूंगा, ठीक है ना? पढ़ रहे हो आप, मैं पूछूंगा जिससे बताएगा। 5 मिनट। अंश पढ़ा तूने पूरा केस? क्या समझ में आया तुझे? क्या सिलेक्शन है? वो तो यहां से भी दिख रहा सिलेक्शन है, पर तुझे पता नहीं, नकल के लिए बहुत अकल सी है। हाँ बता क्या क्या सिलेक्शन है? पढ़ा तूने क्या? पढ़ रहा था, पढ़ ले, काते करियो बोस भाई, पढ़ो बेटा। अगर इतना सा भी दिमाग रखता है आधा परसेंट भी, तो केस तो पढ़ना ही नहीं था। तुम्हें तो पता नहीं भाई कैसे समझाऊं मैं। आइडेंटिफाई स्टेट द नेक्स्ट 3 स्टेप्स प्रशांत हैज टू फॉलो इन द स्टाफिंग प्रोसेस आफ्टर एडवर्टाइजिंग फॉर द अबव वैकेंसी। प्रशांत को अगले 3 स्टेप जो फॉलो करने हैं बता दो, आफ्टर एडवर्टाइजिंग फॉर द अबव वैकेंसी। अगर किसी ने वैकेंसी एडवर्टाइज कर दी तो बेटा उसने रिक्रूटमेंट कर लिया। सर एड और किसका पार्ट होता है भाई? सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का ही तो पार्ट होता है, तो रिक्रूटमेंट होगी तो आया क्या आंसर? सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। पढ़ते रहो केस। पता नहीं भाई क्या ही करूं तुम्हारा, कितनी बार बताऊं कि बहुत सारे क्वेश्चन रिक्वायरमेंट से पूरे हो जाते हैं। चलो जी नेक्स्ट मंथ पढ़ो, जिससे पूछूंगा बताएगा वो। सानिया पहले रिक्वायरमेंट पढ़ रहा हूं फिर बताना। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द नेक्स्ट 3 स्टेप्स फॉर चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट आउट ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। यानी कि पहले तो मैं बता देता हूं, सिलेक्शन प्रोसेस में से 3 स्टेप छाटने, ठीक है ना? और अगले 3 नेक्स्ट 3 स्टेप, यानी कि कोई तो बात हो रखी होगी, ठीक है ना? और बात पहले पैराग्राफ में तो हुई नहीं होगी, ठीक है ना? 90% केस स्टडी में फर्स्ट पैराग्राफ इज यूजलेस। मैं बहुत बार करके दिखाता हूँ, मुझे नहीं पता आप मुझको कितनी बार ध्यान से सुनते हो, मैं यही बोलता हूँ पहला पैराग्राफ तो यूजलेस होगा। आप देख लेना बहुत सारी केस स्टडी में आपको ये देखने को मिलेगा पैटर्न। सेकेंड पैराग्राफ क्या कहता है? फॉर दिस
He wanted four different ads for sales accounts, purchase and production. He gave an advertisement and shortlisted 10 candidates per post. After conducting different selection tests, यानी कि selection test हो चुके हैं. Employment interview, references and background check, selection decision. ठीक है जी, कुछ था ही नहीं गया इसमें तो. पौधा बाड़ और निकली चुहियां. और ये लगभग लगभग सेम है. ठीक है ना, फटाफट से पढ़ना. शुरू के दो तीन लाइनें छोड़ दो, आगे से पढ़ना शुरू करो फटाफट से. पढ़ के बताओ सर. रिक्वायरमेंट के साथ ही क्वेश्चन खत्म है. आइडेंटिफाई एंड स्टेट द नेक्स्ट थ्री स्टेप दैट हरीश हैज टू फॉलो इन द स्टाफिंग प्रोसेस आफ्टर सेलेक्टिंग द हेड ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट. स्टाफिंग प्रोसेस के स्टेप बताने हैं आफ्टर सेलेक्टिंग. सिलेक्शन के बाद के तीन स्टेप. बस ये तो हो गया. ठीक है जी सर, लगभग लगभग सिमिलर लाइन पे है. सिर्फ कुछ भी नहीं है, वही है. अगले तीन स्टेप बताने हैं स्टाफिंग प्रोसेस के आफ्टर सेलेक्टिंग द अबव हेड. ठीक है जी, ये तो कुछ भी नहीं है, हो गया होगा. तो एडिशनल वन अभी ये नहीं करना, फर्स्ट सेकंड भी नहीं करना, जो मैं बोलूंगा वो करना. चलो ये बताओ, क्या बताओ, ये बढ़िया है, मस्ट ट्राई क्वेश्चन. लो बेटा, कोई तो बताएगा केस को भी, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे. वंश बता देगा, वंश पूरा केस पढ़ लिया. मैं पढ़ दूं एक बार, मैं भी पढ़ लूं. बाबू कहता है आइडेंटिफाई द स्टेप्स, यानी कि एक तो होगा नहीं, इन वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव. क्योंकि स्टाफिंग पढ़ रहे हो, यहां से तो पता है कि स्टाफिंग प्रोसेस के स्टेप होंगे बेटा, लेकिन बोर्ड के पेपर में ढूंढना. डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट, बस यहीं से रायता शुरू हो गया क्वेश्चन का. डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू कंडक्ट टेस्ट इन ऑर्डर टू असेस द कैंडिडेट वाई और वाई और सी पार्ट. हाउ इज द ट्रेड टेस्ट डिफरेंट फ्रॉम द एप्टीट्यूड. भाई मेरे को तो यहीं से समझ में आ गया कि ये स्टाफिंग के होंगे, बात बोर्ड के पेपर में भी आ गया समझ. ठीक है ना, ट्रेड टेस्ट कैसे डिफरेंट है एप्टीट्यूड से बताइए. आपको ट्रेड टेस्ट आपके एग्जिस्टिंग स्किल्स को चेक करता है, जबकि एप्टीट्यूड, ठीक है ना, लर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ द न्यू स्किल्स, यानी कि यूर ग्रेस्पिंग पावर. ठीक है ना, और इट इज अ इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर ग्रोथ. वो सबको लिख देना. ठीक है जी, बी पार्ट. क्या ये जरूरी है टेस्ट कंडक्ट करना? सर जरूरी है, क्योंकि बेटा अगर आप चाहते हो किसी इंसान की कुछ करेक्टरिस्टिक को एसर्टेन करना कि उसके अंदर है भी नहीं, असेस करना, तो बेटा टेस्ट तो करने पड़ेंगे. जैसे कि पर्सनैलिटी टेस्ट आपकी हिडन पर्सनैलिटी को रिवील करके रख देता है, जैसे कि इंटरेस्ट है आपका, इंटरेस्ट रिवील कर देता है. तो बेटा कई जॉब्स के लिए टेस्ट जरूरी है, आपकी कुछ करेक्टरिस्टिक को जानने के लिए टेस्ट जरूरी है, तो टेस्ट तो कंडक्ट करने चाहिए. अब रही बात स्टेप्स की, ठीक है ना. हाँ वंशी, ये बता दे बाबू. बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया जिसको कहते हैं. और भाई हो गया भाई, बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया बाबू. देखो एक तो नंबर दिया हुआ है कि टोटल इतनी वैकेंसीज हैं. सर ये नंबर आप तभी दे सकते हो जब आपने एस्टीमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट ये स्टेप किया होगा. सर पता है ना, या तो नंबर तो दे ही नहीं सकता मैं इसके बिना. तो द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एज वेल एज द टाइप ऑफ एम्प्लॉइज. मैं नंबर कैसे दे सकता हूँ इसके बिना? उसने बोला कि सिलेक्शन के लिए आपको तीन स्टेजेस में अलग अलग टेस्ट देने होते हैं, फिजिकल टेस्ट, रिटर्न टेस्ट, स्किल. सर सिलेक्शन का पार्ट है टेस्ट, इन टेस्ट के बाद सिलेक्शन होता है. हो गया पूरा, क्लियर है बात? समझ आई बात? बहुत बढ़िया वंश. चलो जी, क्वेश्चन इज टेक्निकली रॉन्ग पर करेंगे, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. एक बार बस ये पढ़ना. रिक्वायरमेंट पढ़ना. आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल adopted by KFC. List any one disadvantage of each of using internal or external source. Why do you think restaurant manager or shift manager are appointed only through internal sources? तो मुझे internal और external sources identify करनी है, उनकी एक एक demerit लिखनी है, और बाद में बताना है कि restaurant manager और shift manager को internal sources से ही क्यों select किया जाता है. पढ़ना बाबू केस मैं पढ़ूंगा, मैं पहले बोल रहा हूँ क्वेश्चन इज टेक्निकली रॉन्ग,
लेकिन बेटा है बढ़िया क्वेश्चन, पढ़ते हैं। सी फाउंडेड इन 1952 विच हैज ग्रोन टू बिकम द लीडिंग फास्ट फूड चेन रेस्टोरेंट। KFC मेनली सेल्स बर्गर डैश 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 डैश, छोड़ो काम की बात नहीं है यहां से। KFC यूजेस बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूट। द रेस्टोरेंट मैनेजर्स एंड द शिफ्ट मैनेजर आर नेवर हायर्ड एक्सटर्नली एट द आउटलेट्स। ओनली टीम मेंबर एंड द असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर आर हायर्ड एक्सटर्नली टू इंड्यूस फ्रेश ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरनल रिक्रूटमेंट। अब देखो यहां से काम की बात शुरू हो गई। फॉर इंटरनल एम्प्लॉइज आर इन दैट दे कैन गिव रेफरेंसेस टू द मैनेजमेंट टीम अबाउट द पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर द पोजिशन। अब देखो यही क्वेश्चन टेक्निकली गलत है। कहता है इंटरनल सोर्सेस के लिए आप क्या करते हो, अपने स्टाफ को बता देते हो, वो आगे आपको रेफर करते हैं किसी ना किसी कैंडिडेट को। यानी कि बेटा किसकी बात चल रही है, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। ओ भाई रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट होता है। ये देखो क्वेश्चन इज टेक्निकली रॉन्ग, उस देख लो दोबारा पढ़ लो ढंग से। फॉर इंटरनल रिक्रूटमेंट एम्प्लॉइज आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द वैकेंसी सो दैट दे कैन गिव रेफरेंसेस टू द मैनेजमेंट टीम अबाउट द पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर द पोजीशन। इंटरनल तो कोई होता ही नहीं भाई, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉई बताया था ना गलत है, लेकिन बेटा फिर भी लिखना ऐसे ही है। प्रेजेंट एम्प्लॉय लिख देंगे मतलब, हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं हेडिंग एनसीईआरटी की लिखता हूँ, एनसीईआरटी में हेडिंग रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉई है, फर्क क्या पड़ता है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉई या रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉई, सेम बात है। लेकिन क्वेश्चन तो गलत है ना, ये तो पता लग गया होगा। आगे जरा कहता है ऑल्सो देर इज अ जॉब अपॉर्चुनिटी पेज ऑन द कंपनीज वेबसाइट सो दैट पीपल कैन सेंड देयर सीवीज डायरेक्टली टू द एचआरडी। दीज रिज्यूमे आर स्टोर्ड इन अ कंपनीज डेटाबेस फॉर द फ्यूचर यूसेज पर्पस व्हेन देयर इज अ वैकेंसी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या बेटा वेब पब्लिशिंग कैजुअल कॉल है, बट वेब पब्लिशिंग एक अलग चीज है। उसने बोला कंपनी की एक वेबसाइट है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में, आप उनको एप्लीकेशन देते हो, वो क्या करते हैं बेटा आपको एप्लीकेशन को स्टोर करके रखते हैं डेटाबेस में, जब जरूरत पड़ेगी उसको यूज कर लेंगे, ठीक है ना। वेब पब्लिशिंग होता है मैं किसी वेबसाइट का यूज करता हूँ जॉब के लिए, ये तो कंपनी की खुद की वेबसाइट है, मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ किसी और वेबसाइट को, ठीक है ना। मैं कोई jobstreet.com या monster.com या naukri.com थोड़ी यूज कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है ना। ये कैजुअल कॉलर की बात चल रही है, ठीक है जी। सर एक एक डीमेरिट लिखनी है, वो लिखी जाएंगी अगर स्पेसिफिक नहीं है तो बेटा एक्सटर्नल की, ठीक है ना जी। और रही बात आपको क्यों लगता है कि रेस्टोरेंट मैनेजर और शिफ्ट जो भी था बेटा क्या नाम था शिफ्ट मैनेजर, ये क्यों इंटरनली हायर करती है कंपनी। सर देखो मैंने ना ये बात आपको पहले ही बताई है, 90% ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है बड़ी पोस्ट ना वो एक्सटर्नल सोर्सेस से नहीं फिल करते, क्योंकि बेटा एम्प्लॉय को एक्सपीरियंस नहीं होता कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है। आप बाहर से ला के फिल कर दो के बड़ी जॉब, उनको पता ही नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कल्चर क्या है, तो आप छोटी पोस्ट को फिल करते हो एक्सटर्नली। बड़ी पोस्ट के लिए आपको एक्सपीरियंस स्टाफ चाहिए होता है जिसने मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो 5-7 साल, ताकि उसको वर्क कल्चर क्लियर हो हमारा वर्क कल्चर क्या है हम कभी। इसलिए बेटा 90% ऑर्गेनाइजेशन ऐसे काम करती है, ठीक है ना। टॉप लेवल मिडल लेवल ऐसी वैकेंसीज कभी भी एक्सटर्नल सोर्सेज से फिल नहीं करते, वो जरूरत पड़ेगी तो लोअर लेवल, नहीं भी पड़ेगी तो वर्कर बस, ठीक है जी। चलो एक आध और करते हैं बेटा। हाँ ये बढ़िया है, बहुत बढ़िया, पढ़ना है जरा बाबू। मैं बता रहा हूँ केस को, एक दिन याद है बेटा ऐसा एक डिस्कशन हुआ था, ठीक है ना। और मैं बता देता हूँ कुछ ऐसा पे पैकेजेस के बारे में, मैं लेक्चर दे रहा था और मैंने बताया था कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आपके पे पैकेजेस जनरली ऐसे लिखे होते हैं, बताया था ना आपको। पता है बेटा ये क्या इंडिकेट करता है, प्रमोशन कैसे होगा, कि अगले साल प्रमोट होगा इतने भी सैलरी पे आ जाओगे, अगले साल इतने पे आ जाओगे, अगले साल इतने पे आ जाओगे, ठीक है ना। यही तो चल रहा है सर। और ये क्या चल रहा है एक्सेप्ट प्रमोशन,
सर प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग है, यही तो बता रहा है कि आपका प्रमोशन होगा तो कहां से कहां पहुंच सकते हो। पढ़ो जी, द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन ट्रेसेस द ग्रोथ पैटर्न ऑफ एन एम्प्लॉई इन अ वेल नोन चेन ऑफ फास्ट फूड रेस्टोरेंट स्टार्टिंग विद अ फ्रेशर हु ज्वाइन एज अ क्रू मेंबर। कोई इंसान किसी फेमस फास्ट फूड ईटिंग ज्वाइंट में बेटा ज्वाइन करता है एज अ क्रू मेंबर, और ये बेटा उसका ग्रोथ पैटर्न है। इनिशियली वो क्रू होता है, देन बेटा उसको हम टैग देते हैं सर्विस स्टार या फूड स्टार, देन ऑल स्टार, देन शिफ्ट सुपरवाइजर, ट्रेनी मैनेजर, सेकंड असिस्टेंट मैनेजर, फर्स्ट असिस्टेंट, रेस्टोरेंट जीएम, एरिया मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, ऑपरेशन डायरेक्टर। सर ये उसका प्रमोशन ही तो बता रहा है कि कैसे कैसे प्रमोट होके कहां कहां जा सकता है। सेम बात अगर मैं आपको बोलूं कि आप किसी बैंक में पहले हो सकते हो क्लर्क, या इससे भी नीचे जा सकते हो फोर्थ ग्रेड, पहले फोर्थ ग्रेड हो सकते हो, देन क्लर्क, देन प्रोबेशनर ऑफिसर, देन क्रेडिट मैनेजर, देन ब्रांच मैनेजर, देन रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, एरिया मैनेजर, जीएम। तो ये और है क्या, और क्या ये प्रमोशन की तो बात चल रही है कि प्रमोट होके पहले यहां जाओगे, फिर यहां जाओगे, फिर यहां जाओगे, यही चलेगी कहानी। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, बाय बाय।